कई तरीके से याद करते हैं, कहीं करते हैं, तो सतीपन में बने रहते हैं। यू रिमेन कन्फ्यूज्ड वेदर यू रिमेम्बर बाबा इन अ करेक्ट वे और नॉट। तो आज हम देखते हैं कि बाबा ने मुरलियों में क्या बताया याद के बारे में। सो टुडे वी विल सी व्हाट बाबा हैज सेड इन द मुरलीज अबाउट रिमेम्बरेंस। एक्यूरेट याद क्या है? व्हाट इज द एक्यूरेट रिमेम्बरेंस? याद की विधि क्या है? व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमेम्बरेंस? बोला है? इट वॉज सेड, कोई भी चीज जब साकार में देखी जाती है तो जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। व्हेन वी सी एनीथिंग इन द कॉर्पोरियल फॉर्म इट कैन बी ग्रास्प इजिली। बुद्धि से सोचने की बात देरी में ग्रहण होती है। इट टेक्स टाइम टू ग्रास्प समथिंग दैट इज टू बी थॉट थ्रू द इंटेलेक्ट। यहाँ भी साकार रूप में जिन्होंने साकार को देखा। हियर ऑल्सो दोज हू सॉ द कॉर्पोरियल वन इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म। उनको याद करना कितना सहज। इट इज सो इजी फॉर देम टू रिमेम्बर बाबा। तो सहज याद करना अच्छा है। सो इज इट बेटर टू रिमेम्बर इन द इजी वे या कठिनाई से याद आए वो ज्यादा अच्छा है? और इज इट बेटर इफ यू गेट द रिमेम्बरेंस विद डिफिकल्टी? कठिनाई से याद आएगी तो निरंतर याद नहीं हो सकती। इफ यू गेट द रिमेम्बरेंस विद डिफिकल्टी इट कांट बी कंटिन्यूअस। और सहज याद आएगी तो याद निरंतर भी हो सकती। एंड इफ द रिमेम्बरेंस इज इजी इट कैन ऑल्सो बी कंटिन्यूअस। शरीर का तो कोई भरोसा नहीं कर सकते। देर इज नो गारंटी विद द बॉडी व्हेन इट मे पेरिश। तो शरीर छोड़ने का ही जब भरोसा नहीं है तो निरंतर याद ही असली याद है। सो व्हेन देर इज नो गारंटी ऑफ लीविंग द बॉडी देन द कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस इटसेल्फ इज द ट्रू रिमेम्बरेंस। और वो तब होगी जब याद करना बहुत सहज हो जाए। एंड दैट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। सहज का मतलब ये है कि याद करना मुश्किल न हो लेकिन याद भूलना मुश्किल हो जाए। Easy means that it shouldn't be difficult to remember. Forgetting it should be difficult. जैसे किसी का किसी से प्यार हो जाता है practical जीवन में। For example, when someone falls in love with someone in his life in practice, तो क्या भूलता है? Then does he forget them? भूलना भुलाना चाहते हुए भी भूलता है क्या? Can he forget despite wanting to forget them? Meaning the one he loves. नहीं भूलता है ना? He doesn't forget, does he? कभी पूछा जाता है किसी से कैसे याद करें? Does he ask anyone how should I remember? याद करने की विधि क्या है? What is the method of remembrance? जहाँ दिल लग जाता है, जहाँ लगन लग जाती है। Whomever someone loves, whomever he is devoted to, जहाँ लगाव लग जाता है प्रैक्टिकल जीवन में। Whomever he is attached to in his life in practice, वो याद स्वतः ही आता। They come to the mind automatically. इसलिए यहाँ अव्यक्त वाणी में बोला। This is why it has been said here in the Avyakta Vani कि जिन्होंने साकार रूप में साकार को देखा, that for those who saw the corporeal father in a corporeal form, उनको याद करना सहज। It is easy to remember. तो आज में साकार था। So there was the corporeal father in the beginning. और अंत में भी। And also in the end. जो आज में हुआ, तो सब अंत में भी होता। Whatever happened in the beginning happens in the end as well. Each one has to obtain the inheritance directly from the father. Indirect बीच में कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। No indirect middleman is required in between. वर्षा लेना है बच्चों को। It is the children who have to obtain the inheritance. और किससे लेना है? And from whom do they have to obtain it? बाप से वर्षा लेना। They have to obtain the inheritance from the father. दीदी दादी दादाओं से वर्षा नहीं लेना। They don't have to obtain it from didis, dadis, dadas. Direct baap se varsha lena. They have to obtain the inheritance directly from the father. Beech mein agar koi bicholiya hai. If there is a middleman in between, to direct baap se varsha ke adhikari nahi hai. They aren't entitled to the inheritance directly from the father. Jo direct baap ke varsha ke adhikari hai, wohi rudramala ke mante hai. Those who are entitled to the father's direct inheritance are themselves the beads of the Rudramala, the rosary of Rudra. Jitna vyaktigat baap ko yaad karenge utna varsha milega. The more you remember the father as an individual, the more inheritance you will get from him. Vyaktigat baap mane vyakti mein aaya hua baap. Individual father means the father who has come in an individual. Avyakt mein aaya hua nahi. Not the one who has come in an avyakt, meaning unmanifest form. Vyaktigat, mana personal baat ko jitna yaad karenge, personality chahiye baat ki.
Vyaktigat means that the more you remember the personal father, the father's personality is required. Baap bhi koi person hai. The father is also a person. Person ban karke aata hai, mane vyakti ban karke aata hai hamare samne. He comes as a person. It means that he comes in front of us as an individual. Usse humko yaad karna. We have to remember him. Aise yaad karo, jaise kanya ki sagai hoti hai. Remember him in the same way as when a maiden is engaged. So, kanya ki jab sagai ho jati hai, to yaad bilkul chhap jati hai. When a maiden is engaged, then the remembrance of the bridegroom is completely imprinted on her mind. Bachcha paida hota hai aur yaad chhap jati hai. As soon as a child is born, the remembrance of that child is imprinted. So, ye practical jeevan ki baat batai. So, this is a topic of the practical life that was mentioned. A student commented, that is a different topic. What is the method of remembrance? So, the example of a maiden was given. It means that the relationship is required in practice. When a maiden is engaged, then she is also told the name of the future husband. Lagan kab lagti hai? When does she have attachment, lagan? Jab usse naam bata diya jata hai, dham bata diya jata hai. When she is told the name, when she is told about the place. Uska kaam bata diya jata hai. When she is told about the work he does. Uska photo bhi dikhai diya jata hai. And when she is shown the photo as well. और कहीं कहीं तो एक दूसरे को आपस में मिलाई भी दिया जाता है. And in some places, they are also allowed to meet each other. तो सगाई पक्की हो जाती है. So, the engagement is fixed. उसको कहते हैं लगन. That is called लगन, attachment or love. जब लगन पक्की हो जाती है, तो याद छप जाती है. When there is firm attachment, then the remembrance is imprinted. जैसे कोई छापा मार दिया जाता है. Just as a stamp is affixed, isn't it? ऐसे बुद्धि में याद छप जाती है. Similarly, the remembrance is imprinted in the intellect. छप्पा लगाई हुई चीज भूलती नहीं है. You don't forget something that is imprinted. तो ऐसे ही याद करना. So, we have to remember in the same way. नाम भी पता हो. You should also know the name. ऐसे नहीं वो सर्वव्यापी है, सब में आता है. नहीं. It isn't that he is omnipresent. He comes in everyone. No. बिना नाम रूप के कोई चीज होती नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता. There isn't anything without a name and form. It doesn't have any existence. परमात्मा पार्ट अगर है. If there is the part of the supreme soul, तो उसका भी एग्जैक्ट नाम भी होना चाहिए जो संसार में विख्यात हो जाए. Then his exact name, which would become well known in the world, is also required. उसका रूप भी होना चाहिए. He should also have a form. उसका रहने का कोई स्थान भी होना चाहिए. स्थान विशेष से ही परमात्मा बात करते हैं. There should also be the place of his residence. The supreme soul father is revealed only from a particular place. उनकी जन्मभूमि. His place of birth. उनकी कर्मभूमि. सब प्रत्यक्ष होने चाहिए. His place of actions. Everything should be revealed. तो नाम भी चाहिए, रूप भी चाहिए, धाम भी चाहिए. So, the name is required. The form is also required. The place is also required. उसके गुण भी चाहिए. His virtues are also required. और वो क्या क्या काम करता है? And what tasks does he perform? इस सृष्टि पर आता है तो कुछ काम करके जाता है. When he comes to this world, does he perform any task before going? या जैसे सामान्य मनुष्य आते हैं सृष्टि पर. Or just as ordinary people come to this world. धर्मात्माएं आते हैं या धर्म पिताएं आते हैं. Religious souls come or founders of religions come. उनकी माफिका करके चला जाता है, थोड़ा सा रिफॉर्मेंस करके. Will he come like them and depart after bringing about some reformation? थोड़ी सी मरम्मत करके मकान की करके चला जाता है. Does he repair the house like world a little and depart? नहीं. No. फिर उसे परमात्मा कौन मानेगा? Then who will believe him to be the supreme soul? धर्मात्मा तो दुनिया में बहुत है. There are many religious souls in the world. महात्माएं बहुत हैं, धर्म पिताएं बहुत हैं. There are many great souls. There are many religious fathers. लेकिन परमात्मा जिसको कहा जाता है, वो तो उन सबसे विशेष होना चाहिए. But the one who is called the supreme soul should be more special than all of them. और विशेष होगा तो जरूर कोई विशेष काम भी करके जाएगा.
एंड इफ ही इज स्पेशल ही विल डेफिनेटली ऑल्सो परफॉर्म अ स्पेशल टास्क एंड गो. तो वो विशेष काम भी करके जाता. सो ही ऑल्सो परफॉर्म्स अ स्पेशल टास्क बिफोर गोइंग. ऐसा विशेष कार्य करके जाता है जो कोई धर्म पिता धर्म आत्मा महात्मा नहीं करके गया. ही परफॉर्म्स सच अ स्पेशल टास्क विच नो रिलीजियस फादर रिलीजियस सोल ग्रेट सोल हैड परफॉर्म्ड. ऐसे नहीं कि परमात्मा आता है और ज्ञान सुना के चला जाता है. इट इजंट दैट द सुप्रीम सोल कम्स नरेट्स द नॉलेज एंड गोज अवे और विशेष कार्य कुछ भी नहीं. एंड डजंट परफॉर्म एनी स्पेशल टास्क. शक्ति का परिवर्तन होता नहीं. The transformation of the world doesn't happen. नहीं सकती आती नहीं. The new world doesn't come. स्वर्ग दिखाई पड़ता नहीं. Heaven isn't visible. और हम कह दें कि परमात्मा आया 69 में चला गया. And we say that the supreme soul came and departed in 69. तो वो परमात्मा का पार्ट नहीं है. Then that isn't the part of the supreme soul. परमात्मा पार्ट प्रैक्टिकल में किसी पर्सन में चाहिए ऐसा. The part of the supreme soul is required in a person in practice. जो ऐसा पार्ट बजा करके जाए. Who would play a part like this and go? जैसा नाम. As is the name. जैसे जैसे परमात्मा के नाम. As are the names of the supreme soul. वैसे वैसे काम करके जाए. So should be the tasks he performs before going. तो ऐसी याद छपी हुई होनी चाहिए बुद्धि में. So such remembrance should be imprinted in the intellect. मुख से शिव बाबा कहना नहीं. You shouldn't say Shiv Baba through the mouth. यानी बुद्धि के अंदर याद छपी हुई होनी चाहिए. It means that the remembrance should be imprinted in the intellect. मुख से बाबा 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 कहना इसका मतलब है. To utter बाबा बाबा through the mouth means कि 63 जन्म का मुख का जो रट्टा लगाते रहे. You have been chanting through the mouth for 63 births. मुख में राम बगल में छुरी वो बात ना हो जाए. It shouldn't happen that you chant the name of Ram through the mouth and keep a knife in your armpit. मुख से नाम लेना बहुत सहज होता है. It is very easy to utter the name through the mouth. वो एक स्थूल बात हो गई. That is something physical. परमात्मा तो अति सूक्ष्म है. The supreme soul is extremely subtle. आत्मा से भी अति सूक्ष्म पार्ट बजाने वाला परमात्मा. The supreme soul plays a part subtler than the soul. तो उसको तो बुद्धि रूपी यंत्र से ही कैच किया जा सकता है. So, you can catch, meaning grasp him, only through the instrument like intellect. मुख से ही उसे याद करना. You have to remember him only through the intellect. मुख से बोलने की जरूरत नहीं है. There is no need to speak through the mouth. बुद्धि से याद करना. You have to remember through the intellect. माँ जब बच्चे को याद करती है. When a mother remembers her child. तो क्या बच्चा 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 या बच्चे का नाम लेकर के पुकारती है. Does she chant, son, son, or does she call out his name? नहीं. No. बुद्धि में याद आती है. द रिमेम्बरेंस कम्स टू द इंटेलेक्ट. उसका कर्तव्य याद आता है. हिज एक्शंस कम टू द माइंड. उसकी तोतली बोलचाल याद आती है. हिज बेबी टॉक कम्स टू द माइंड. उसकी भाषा याद आती है. हिज लैंग्वेज कम्स टू द माइंड. तो ऐसी याद छपी हुई होनी चाहिए. सो द रिमेम्बरेंस शुड बी इम्प्रिंटेड इन सच अ वे. मुख से नहीं कहना चाहिए शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा. यू शुडंट से शिव बाबा थ्रू द माउथ. जैसे आंसू मासूम के एक दूसरे को याद करते हैं. जस्ट एज अ लवर एंड अ बिलवड रिमेम्बर ईच अदर. एक बार देख लिया. दे जस्ट सी ईच अदर वंस. बस. एंड दैट्स ऑल. फिर बुद्धि में उन्हीं की याद छप जाती. ओनली हिज और हर थॉट्स आर इम्प्रिंटेड इन द इंटेलेक्ट. सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है. दे जस्ट नीड टू सी ईच अदर वंस. बहुत से ऐसे प्रेमी होते हैं. देर आर मेनी लवर्स लाइक दिस. जीवन में एक बार ही उनका मिलना या देखना होता है. Who meet or see each other only once in life. और जीवन में फिर कभी दोबारा मिलते भी नहीं है. And they never meet again in their life. लेकिन जीवन भर उनकी याद छूटती. But their remembrance doesn't leave them throughout the life. एक बार की याद. The one time remembrance. एक बार का देखना. The one time meeting. एक बार की अनुभूति सदा काल के लिए स्थायी बनाई जा सकती. The one time experience can be made permanent. ऐसी लगन पक्की होनी चाहिए. द अटैचमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग लाइक दिस. बाबा कहते हैं मुझे निरंतर याद करो. बाबा सेज रिमेम्बर मी कंटिन्यूअसली. अंतर नहीं पड़ना चाहिए. देर शुडंट बी अ गैप. अंतर कब पड़ता है. वेन इज देर अ गैप. बाबा को याद करते करते. वेन रिमेम्बरिंग बाबा. 63 जन्म के जो संस्कार हैं दूसरी दूसरी आत्माओं के संग में आने के. देर आर द संस्कार्स ऑफ कमिंग इन द कंपनी ऑफ अदर सोल्स फॉर 63 बर्थ्स. संग का रंग दूसरी आत्माओं के साथ भी तो लगाया है ना.
You have also been colored by the company of other souls, haven't you? कि हर जन्म में हीरो के साथ ही संसर्ग संपर्क हुआ. Or have you been in the contact and connection of the hero alone in every birth? ऐसा तो होता नहीं. This certainly doesn't happen. 63 जन्म हुए या 84 जन्म हुए ऐसी तो कोई आत्मा नहीं है जिसका हर जन्म में एक हीरो पार्टीदारी के साथ ही संसर्ग संपर्क रहा. There have been 63 births or 84 births. There is no such soul who has been in contact and connection only with the one hero actor every birth. हाँ, ये हो सकता है किसी का ज्यादा रहा हो. Yes, it is possible that someone might have been more in his contact और किसी का कम रहा. And someone might have been in his contact a little. तो जिनका जाति संसर्ग संपर्क उसे शेष आत्मा के साथ रहा. So, those who had more contact and connection with that righteous soul उसको जाति याद रखेगी. Will have a greater imprint of remembrance. और जिसका कम संसर्ग संपर्क रहा उसकी बुद्धि में याद निरंतर रहेगी. And the remembrance won't be constant in the intellect of the one who was in his contact and connection a little. जिन जिन आत्माओं के साथ उसने संबंध जोड़ने की प्रैक्टिस की है. All the souls with whom he made a practice to establish a relationship वो आकर के बीच में अंतर पैदा करते. Will come in between and create a gap. अपना हिसाब किताब आकर के लेंगी. They will come and clear their karmic accounts. बुद्धि में इंटरफेरेंस पैदा करेंगी. They will create interference in the intellect. तो वो अंतर डाल. So, they will create a gap. याद निरंतर नहीं हो पाएगी. The remembrance won't be continuous. लेकिन बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो. But the father says, remember me continuously. जब निरंतर याद करेंगे तब तुम्हारे पाप बसेंगे. Your sins will be burned to ashes quickly when you remember me continuously. जैसे सोना है. For example, there is gold. सोने की खाद निकाली जाती है. Impurities are removed from it. सुनार सोने को अग्नि में डालता है. The goldsmith puts the gold in fire. एक बार तेज अग्नि जलाए फिर बंद कर दे. If he ignites the fire intensely once and then puts it off. फिर तेज अग्नि जलाए फिर बंद कर दे. If he ignites the flame intensely once again and then puts it off. मैंने बार बार अग्नि जलाई और बार बार उसको ठंडा कर दे. It means he ignites the flame again and again and puts it off again and again. तो उसमें से खाद निकलेगी. Then will the impurities be removed from it, meaning the gold? नहीं निकलेगी. It won't. लगातार की जितनी चाहिए उतनी लगातार उसको तेज अग्नि चाहिए. It requires continuous intense fire. मध्यम अग्नि भी नहीं चाहिए. The fire shouldn't be medium either. तो ये परमात्मा बाप के प्रति लगन की अगन तीव्र चाहिए और साथ साथ निरंतर चाहिए. सो द फायर ऑफ लव फॉर द सुप्रीम सोल फादर शुड बी इंटेंस एंड अलॉन्ग विद दैट इट शुड बी कंटिन्यूअस. सुलेखन नहीं करना. यू शुडंट चैंट. याद करना. यू हैव टू रिमेम्बर. याद में और सुलेखन करने में बहुत अंतर. देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिमेम्बरेंस याद and chanting sumiran meaning to tell the beads of a rosary while praying. Sumiran mukh se kiya jayega. Shiv baba shiv baba ye andar se bolenge. Chanting will be done through the mouth. Shiv baba shiv baba. Or they will chant within. Hoth chalte rahenge. The lips will keep moving. Wo koi sumiran karna yaad karna nahi. That chanting isn't remembrance. Sumiran karne mein haath aur mukh chalta hai. While chanting, the hands and the mouth work. जैसे भक्त होते हैं. For example, there are devotees. राम का नाम सुमिरन करते हैं. They chant the name of Ram. तो माला घुमाते जाते हैं और मुख से ओठ चलते जाते हैं. So they keep rotating the rosary and the lips keep moving. तो वो सुमिरन अलग बात है. So that chanting is a different thing. लेकिन मन बुद्धि में याद होनी चाहिए. वो याद दिल से आनी चाहिए. But there should be the remembrance in the mind and intellect. That remembrance should come from the heart. Baba hamesha kehte hain. Baba always says ki aise samjho ki Shiv Baba ke direction humko milte. Think you receive directions from Shiv Baba. Aise samjho. Think like that. Kyun? Why? Samajhne ki kya baat hai? What is there to think? Jab Shiv Baba humko direct mila hua hai to samajhne ki kya baat? When we have directly found Shiv Baba, then what is there to think? समझने की बात ये है. The subject to think is that कि बाबा हमको मिला तो हुआ है. We have certainly found Baba. लेकिन हमारी सराउंडिंग्स में जो आत्माएं रहने वाली हैं वो सब एक जैसी निश्चय बुद्धि नहीं है.
But all the souls that live in our surroundings don't have an intellect with equal faith. सबके निश्चय में फर्क है. There is a difference in the faith of everyone. अंतर वाली. There are differences between them. तो उनके संग के रंग में आने से हमारा निश्चय भी ऊपर नीचे होता रहता है. So our faith also keeps going up and down by the color of their company. इसलिए बोला. This is why it was said. कि हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा की डायरेक्शन में. Always think that we receive directions from Shiv Baba. दूसरी आत्माओं के संग के रंग में आने से. By being colored by the company of other souls. हमारी बुद्धि में से ये बात निकल जाती है कि हमको ये बाबा शिव बाबा डायरेक्शन दे रहा है. This topic slips away from our intellect that it is Baba, Shiv Baba, who is giving us this direction. We think he is an ordinary person. And when we think it is the direction of an ordinary person, we become lax in accepting it. It is the direction of the Supreme Soul. And if we delay in accepting it, then it is like rotten fruit. How much difference will there be between eating fresh fruit and eating rotten fruit? We get more power by eating fresh fruit. It contains more vitamins. And eating rotten fruit may cause harm. आधा खराब हुआ होगा. If it is half rotten, तो आधा फायदा करेगा आधा नुकसान कर देगा. It will bring half benefit and half harm. इसीलिए जो डायरेक्शन मिलता है उसे तुरंत फॉलो करना. This is why to immediately follow the directions that you receive, ये है निश्चय बुद्धि की निशान. Is a sign of having an intellect with faith. अगर सदैव ये समझेंगे कि हमको शिव बाबा की डायरेक्शन मिलते हैं. If you always think we receive directions from Shiv Baba, तो सदैव तुमको शिव बाबा याद रहेगा. You will always remember Shiv Baba. This is also a special point that was mentioned. Direction follow करने में अगर देर करेंगे, if you delay in following the direction, तो याद में भी अंतर पड़ता है. There will be a difference in the remembrance as well. अगर direction को तुरंत follow करेंगे, if you follow the direction immediately, और तुरंत follow करने से संस्कार बनाते जाएंगे. And if you keep imbibing the sanskars of following it immediately, तो याद निरंतर आती है. Then you will keep remembering continuously. उनके डायरेक्शन कभी उल्लंघन नहीं करने चाहिए. You should never disobey his directions. डायरेक्शन को देर में मानना वो तो बहुत दूर की बात हो गई. To accept or not accept the direction after saying yes in front of the father and delaying is a far off proposition. लेकिन उल्लंघन भी कभी नहीं करना. But you should never even disobey them, meaning refuse to obey them in front of the father. अगर बाप के डायरेक्शन को उल्लंघन किया, if you disobey the father's direction, तो सौ गुना, हजार गुना, लाख गुना हो जाता है. You accumulate hundredfold, thousandfold, lakhfold burden. जैसे कोई छोटा मोटा व्यक्ति हमको डायरेक्शन दे और हमको उसको उल्लंघन कर दे. For example, if a small person gives us a direction and if we violate it, then we won't be entitled to so much punishment. और कोई बड़े ऑफिसर की पकड़ में आ गए, and if we are caught by a big officer, और उसके सामने हमने नाफरमानी कर दी, and if we show disobedience to him, तो वो तो पकड़ लेगा. Then he will catch us. Dismiss कर देगा. He will dismiss us. घाटा बहुत भारी पड़ जाएगा. We will suffer a great loss. तो शिव बाबा तो राजाओं का राजा बनाने वाला है. So Shiv Baba is the one who makes you the king of kings. Rajaon ka raja, maharaja banane wala hai. He makes you the king of kings, meaning the emperor. Uske samne to kitna careful rehna chahiye. You should be so careful in front of him. Un chote mote rajaon ke samne log jaane mein thar thar kaapte hain. People shiver with fear to go in front of those small kings. Aur ye to bade bade rajaon ko maharaja banane wala hai. And this one is the one who makes the big kings into emperors. उसके डायरेक्शन को तो फौरन फॉलो करने चाहिए. You should follow his directions immediately. तो अवस्था भी बहुत ऊंची रहेगी यार. Then the stage of remembrance will also be very high. अवस्था up and down कब होती है? When does the stage go up and down? जबकि हम पाप के डायरेक्शन को डायरेक्टर का डायरेक्शन है.
कृष्णरूपी रंगमंच का जो ड्रामा है उसका एक बड़े से बड़ा डायरेक्टर है, उसके डायरेक्शन को हम फॉलो करने वाले ऊंचे के ऊंचे एक्टर हैं, ये बात अपनी भूल जाते हैं। इट इज व्हेन वी फॉरगेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द फादर इज द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर, द बिगेस्ट डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा, एंड वी आर द हाईएस्ट एक्टर्स हु फॉलो हिज डायरेक्शंस। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वो क्या चीज है? What is the supreme soul whom you remember? कोई चीज है या ना चीज है? Is he something or nothing? अगर समझोगे कि वो भी कोई चीज है। If you think that he is also something, कोई चीज है कि ना चीज है? Is he something or nothing? कोई चीज है। He is something. तुम कहते हो वो अखंड ज्योति स्वरूप। You say that he is a form of imperishable light. भक्ति मार्ग में कहते हैं ना? On the path of bhakti, it is said. कि परमात्मा तो अखंड ज्योति स्वरूप है। दैट द सुप्रीम सोल इज अ फॉर्म ऑफ इम्पेरिशेबल लाइट। अखंड ज्योति स्वरूप का मतलब क्या हुआ? वॉट इज मेंट बाई द फॉर्म ऑफ इम्पेरिशेबल लाइट? बाप तो कहते हैं मैं कोई अखंड ज्योति स्वरूप नहीं हूँ। द फादर सेज आई एम नॉट द फॉर्म ऑफ इम्पेरिशेबल लाइट। कोई सूर्य ज्योति नहीं है जो अखंड रूप से जलती रहती है। देर इज नो फिजिकल लाइट दैट कीप्स बर्निंग इटर्नली। अखंड ज्योति को याद करना ये रंग हो जाता है। It is wrong to remember the imperishable light. क्या? What? कास्केट को जला लिया? You switched on the casket. सामने दीवार पे लटका दिया? And hung it on the wall in front of you. उसमें बल्ब लगा दिया? You placed a bulb in it. रात भर बल्ब जल रहा है? The bulb is glowing throughout the night. और हम जब उसे देखते हैं तो उसको याद करते हैं। And when we see it, we remember it. वो अखंड ज्योति किसी किसी के कमरे में 24 घंटे जलती रहती। That imperishable light keeps glowing in the room of some people for 24 hours. They see and keep remembering it. तो ये राइट है क्या? So is this right? बाप कहते हैं उस अखंड ज्योति को याद करना रंग हो जाता है। The father says, it is wrong to remember that imperishable light. क्यों? Why? क्यों रंग हो जाता है? Why is it wrong? क्योंकि वो कोई स्थूल ज्योति नहीं है। It is because he isn't a physical light. ज्योति का मतलब है ज्ञान की ज्योति। लाइट मीन्स द लाइट ऑफ नॉलेज। स्थूल ज्योति या ज्ञान की ज्योति? इज इट अ फिजिकल लाइट और द लाइट ऑफ नॉलेज? वो ज्ञान का सागर है ना? ही इज द ओशन ऑफ नॉलेज इजंट ही? तो वो अखंड ज्ञान की ज्योति उसमें जलती रहती है। सो दैट इम्पेरिशेबल लाइट ऑफ नॉलेज कीप्स ग्लोइंग इन हिम। माने उसका ज्ञान जो है कभी टूटता नहीं है। इट मीन्स दैट हिज नॉलेज इज नेवर एग्जॉस्टेड। ऐसी अखंड ज्योति है ज्ञान की। ही इज सच एन इम्पेरिशेबल लाइट ऑफ नॉलेज। बाकी स्थूल को ज्योति को याद करना ये बाबा ने नहीं सिखाया। बाबा हैजंट टॉट अस टू रिमेम्बर एनी फिजिकल लाइट। याद तो एक्यूरेट चाहिए। द रिमेम्बरेंस शुड बी एक्यूरेट। सिर्फ गपोड़े मारने से काम नहीं चलेगा। जस्ट गॉसिप्स वोंट वर्क। एक्यूरेट बात को जानना चाहिए। यू शुड नो द फादर एक्यूरेटली। बाप कोई जड़ ज्योति का तत्व नहीं है जिस जड़ ज्योति को तुम याद करते हो। द फादर इजंट एन एलिमेंट ऑफ इनर्ट लाइट विच यू रिमेम्बर। बाप कैसी ज्योति है? वॉट काइंड ऑफ अ लाइट इज द फादर? ज्ञान की ज्योति। ही इज द लाइट ऑफ नॉलेज। बाप की जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी ऐसी है जिसमें ज्ञान की ज्योति सदैव जलती रहती है। द फादर्स पर्सनालिटी इज सच अ पर्सनालिटी इन हुम द लाइट ऑफ नॉलेज ऑलवेज कीप्स ग्लोइंग। ऐसे उसे ज्ञान सागर बाप को हमें याद करना है। वी हैव टू रिमेम्बर दैट ओशन ऑफ नॉलेज फादर इन सच अ वे। तुम जानते हो? यू नो कि वो ब्रह्मा के तन में है। दैट ही इज इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा। किसके तन में? इन हूज बॉडी? ब्रह्मा के तन में। इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा। क्यों? वाई? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा हैज लेफ्ट हिज बॉडी। ब्रह्मा के तन में कैसे? हाउ इज ही इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा? स्टूडेंट, प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा इन द बॉडी ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा माने? प्रजापिता ब्रह्मा मीन्स जो सारी प्रजा का पिता है। द वन हु इज द फादर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। प्रजा 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पिता है। ही इज द फादर ऑफ द 500 करोड़ ह्यूमन सोल्स। उस प्रजापिता ब्रह्मा के तन में बाप बैठा हुआ है। द फादर इज सिटिंग इन द बॉडी ऑफ दैट प्रजापिता ब्रह्मा। तो जरूर उसको यहाँ याद करना पड़ेगा। सो वी डेफिनेटली हैव टू रिमेम्बर हिम हियर। कहाँ याद करना पड़ेगा? वेयर डू वी हैव टू रिमेम्बर हिम? जहाँ प्रजापिता वहाँ परमपिता परमात्मा को याद करना पड़ेगा।
We have to remember the Supreme Father, Supreme Soul, where there is Prajapita. It isn't that you have to remember him in the Supreme Abode. The Father is sitting below. And if we remember him above, then is it right or wrong? It is certainly wrong. The Father has come below to make this world a new world, hasn't he? He has come to have the old world destroyed, hasn't he? And we remember him above. इसलिए एक मुरली में बोला हुआ है जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है सूर्य संप्रदाय. This is why it has been said in a मुरली, those who remember me above belong to the Shudra community, the fourth and the lowest division of the Indo-Aryan society. फिर मुरली बोला मुझे मेरे परम नाम में याद करो. Then it has been said in a मुरली, remember me in my supreme abode. तो दो बातें हो गई. These are contradictory topics. परम नाम में याद करें या नीचे याद करें? Should we remember him in the supreme abode or should we remember him below? Paramdham ka matlab hi hai bade se bada dham. The supreme abode, Paramdham itself means the biggest abode, dham. Pare se pare dham. The farthest abode. Dham mane ghar. Dham means home. Paramatma bhi sakar tan mein aata hai. The supreme soul also comes in a corporeal body. Personality lekar ke aata hai. He comes by taking on a personality. So that person requires a place to live. A special place of his own, which is called Madhuban. This is why it is said, the murli, flute, is played in Madhuban. The father will come and narrate the murli wherever you open a mini Madhuban. The father will come only in Madhuban. He won't come at any other place. He has made such promise, hasn't he? So, Madhuban is the father's home. It is the farthest home. It means, that home won't sit in everyone's intellect. They won't think it is the biggest home. You are the special children, the father's elder children. They say elder brother, don't they? The older brother. So that home sits in the intellect of only those elder children. It won't sit in the intellect of others that it is the biggest home. So, he is a resident of the Supreme Abode. That doesn't mean that the Supreme Abode is only somewhere above. It has been said in a Murli, you children will bring down the Supreme Abode to this world itself. So, how will the Supreme Abode come down to this world? That place of the Father, Madhuban, will become a place with such vibrations. Such atmosphere in which all the children will be constant in the soul conscious form. They will have forgotten body consciousness. They will remember their soul like an egg. It will be in their mind. So, in which form do the souls live in the Supreme Abode? In an egg-like form, in a point form. The place where the children are collectively in such a stage, free from thoughts, that itself is the Supreme Abode. That itself is the Father's home. So, you know that the Father has come in the body of Brahma. So, you will definitely have to remember him here. He isn't sitting above. He has come here. He
He has come in the Purushottam Sangam Yuga, elevated confluence age. Ye Purushottam Sangam Yuga, Yuga kahan hote hain? This Purushottam Sangam Yuga, where do Yuga, meaning ages, exist? Sakar Shakti par niche hote hain ya upar hote hain? Do they exist in the corporeal world below or above? Niche. They are below. Baat Purushottam Sangam Yuga par aaya hua hai, baat kehte hain. Main tumko itna inch banane ke liye yahan aaya hua. The father has come in the Purushottam Sangam Yuga. The father says, I have come here to make you so high. So, tum bache yahan yaad karenge na? So you children will remember here, won't you? Aap kehte hain main tan mein baitha hua hoon. The father says, I am sitting in a body. To us tan mein mujhe yaad karo. So remember me in that body. Bal bindi gutti mein yaad nahi aati. Although the point doesn't come to the intellect, baar baar bhul jati. You forget it again and again. Yeah. What? हमारी याद को प्रवृत्ति की होनी चाहिए. Our remembrance should be the remembrance of the household. तन भी याद आवे और तन में दिल भी आत्मा भी याद आवे. The body should come to the mind and the point like soul within the body should also come to the mind. वो शरीर में से दिल भी आत्मा निकल जाती है तो शरीर को क्या कहते हैं? If the point like soul departs from the body, then what is the body called? मुर्दा. A corpse. तो मुर्दे को भी याद नहीं करना. So you shouldn't remember the corpse either. तन में बिंदु आत्मा को याद करना. Remember the point like soul in the body. बल बिंदी बुद्धि में से खिसक जाती है, नहीं याद आते. Although the point slips from the intellect, it doesn't come to the mind. अच्छा शिवलिंग को तो याद करो. अच्छा, at least remember the शिवलिंग, oblong stone worshipped as the form of Shiv. क्या कहा? What has been said? बिंदी बुद्धि में से खिसक जाती है. बिंदु तो छोटा रूप है, सूक्ष्म रूप है. If the point slips from the intellect, the point is a small form, a subtle form. तो बड़े रूप को, लिंग रूप को तो याद करो. So, at least remember the big form, the लिंग form. लिंग रूप का मतलब क्या? What is meant by the लिंग form? लिंग माना? लिंग means the body. तन. वो तन है जो कि निराकारी स्टेज में टिकने वाला है. The body that is going to become constant in the incorporeal stage. उस तन को याद करो जिसको निराकारी स्टेज का वरदान मिला हुआ है. Remember the body which has got the boon of the incorporeal stage. ऐसी निराकारी स्टेज वाले उस तन को भी याद करेंगे तो तुम्हारी अवस्था कैसी बनेगी? Even if you remember that body which is in such an incorporeal stage, how will your stage become? निराकारी बनेगी ना? It will become incorporeal, won't it? तो बड़े रूप को याद करेंगे, उसमें भी फायदा है. So, there is benefit even if you remember the big form. ऐसे नहीं, नुकसान. It isn't that there is harm. हाँ, बिंदु को साथ साथ याद करेंगे. Yes, if you also remember the point along with it, तो ज्यादा फायदा है. Then there is more benefit. सोने में सुहागा है. It is like borax added to gold, सोने में सुहागा. An expression in Hindi to denote something of heightened splendor or excellence. अति उत्तम है. It is the best. लेकिन मान लो अगर कभी अवस्था बहुत खराब हो रही है. But suppose when the stage is becoming very bad, देहां ज्यादा ही खींच रहा है. If body consciousness is pulling you a lot, तो उस साकार रूप को भी याद करेंगे जो निराकारी स्टेज में टिकने वाला है. Then even if you remember the corporeal form that remains in an incorporeal stage, तो भी फायदा होगा. Even then there will be benefit. नुकसान नहीं होगा. There won't be harm. बड़े रूप शिवलिंग को याद करेंगे तो भी पाप कटेंगे. The sins will be destroyed even if you remember the big form, the Shivling. बड़े रूप पर ये हेरे हेरे हुए हो. You have been habituated to remember the big form. बड़े रूप को याद करने के लिए प्रैक्टिस पक्की पड़ी हुई है. You have firmly practiced remembering the big form. अच्छा बड़ा ही सही. All right, let it be just the big form. मतलब शिव बाबा को याद करो. It means remember शिव बाबा. क्या? What? मतलब क्या है? What is the meaning? शिव बाबा को याद करो. ये नहीं कहा कि शिव बाप को याद करो. Remember शिव बाबा. It wasn't said remember the father शिव. शिव बाप. शिव बाप माने बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप बिंदु. The father शिव means the father of the point like souls, the point. ऐसे मुरली में कभी नहीं बोला शिव बाप को याद करो. नहीं. It was never said in the Murli, remember the father Shiv. No. Shiv Baba ko yaad karo. Remember Shiv Baba. Baba jab kahenge to zarur grandfather. When you say Baba, he is definitely the grandfather. Grandfather hai to zarur tan ke andar hona chahiye. When he is the grandfather, he should definitely be in a body.
बिंदु रूप में जो हम आत्माओं का बातें हैं, हम आपस में बिंदु बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। एज अ पॉइंट ही इज द फादर ऑफ अस सोल्स एंड वी पॉइंट लाइक सोल्स आर ब्रदर्स फॉर ईच अदर। दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। देयर इज नो अदर रिलेशनशिप। जब शरीर में प्रवेश होता है व्हेन ही एंटर्स अ बॉडी तो डेल के डेल संबंध बन जाते हैं। न्यूमरस रिलेशनशिप्स आर फॉर्म्ड। उनमें ग्रैंडफादर का भी संबंध बनता है। अमंग देम द रिलेशनशिप ऑफ द ग्रैंडफादर इज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड। ग्रैंडफादर को बड़े रूप में भी याद कर सकते हो। सो यू कैन रिमेम्बर द ग्रैंडफादर इन अ बिग फॉर्म एज वेल। भक्ति मार्ग में ईश्वर को याद करते हैं ना। ऑन द पाथ ऑफ भक्ति ऑल्सो पीपल रिमेम्बर शिव डोंट दे। बड़े को भी याद किया तो भी तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। इवन इफ यू रिमेम्बर द बिग फॉर्म ऑल योर सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड। क्या बोला मुरली? व्हाट हैज बीन सेड इन द मुरली? छोटे रूप तुमको याद नहीं आता है तो तुम प्यार से अगर बड़े रूप को भी याद करेंगे। इफ यू आर अनेबल टू रिमेम्बर द स्मॉल फॉर्म इवन इफ यू रिमेम्बर द बिग फॉर्म विथ लव तो भी तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे। ऑल योर सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन शर्त क्या है? बट व्हाट इज द कंडीशन? निरंतर याद करो। रिमेम्बर मी कंटिन्यूअसली। क्या? वॉट? याद में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, बीच में कोई दूसरा याद नहीं आना चाहिए। देयर शुडंट बी अ गैप इन द रिमेम्बरेंस। नोबडी एल्स शुड कम टू द माइंड इन बिटवीन। दूसरे का याद आना माना व्यभिचारिया। टू रिमेम्बर समवन एल्स मीन्स इट इज अडल्ट्रस रिमेम्बरेंस। और व्यभिचारी याद करेंगे। एंड इफ यू रिमेम्बर इन एन अडल्ट्रस वे तो बताओ यू विल सफर लॉस। पाप बस में नहीं होंगे। द सिंस वोंट बी बर्न टू एशेस। अग्नि तेज नहीं होगी। द फायर वोंट बी इंटेंस। मध्यम अग्नि हो जाएगी। द फायर विल बिकम मॉडरेट। पूछते हैं हम कैसे याद करें। दे आस्क हाउ शुड वी रिमेम्बर। शिव बाबा को ब्रह्म तन में याद करें। शुड वी रिमेम्बर शिव बाबा इन द बॉडी ऑफ ब्रह्म। बहुतों को ये प्रश्न उठता है। मेनी पीपल हैव दिस क्वेश्चन। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को करना है। बाबा सेज इट इज द सोल दैट यू हैव टू रिमेम्बर। परंतु शरीर भी याद जरूर आएगा। बट सर्टनली द बॉडी विल ऑल्सो कम टू द माइंड। क्या? वॉट? आत्मा तो सुप्रीम सोल आत्मा को याद करना है। द सोल हैज टू रिमेम्बर द सुप्रीम सोल। लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है वो भी जरूर याद आएगा। क्यों? बट द वन होम ही एंटर्स विल डेफिनेटली कम टू द माइंड टू। वाई? जरूर क्यों? वाई डेफिनेटली? नहीं याद करते उसको। वी डोंट रिमेम्बर इट। क्यों याद आएगा? वाई विल इट कम टू द माइंड? जरूर इसलिए याद आएगा। इट विल डेफिनेटली कम टू द माइंड बिकॉज कि बिना उस शरीर में प्रवेश करे परमात्मा सृष्टि का कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकता। द सुप्रीम सोल कांट अकम्प्लिश एनी टास्क ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एंटरिंग दैट बॉडी। और सदगुरु के रूप से कर्म को कराने वाला है। एंड ही इनेबल्स अस टू परफॉर्म एक्शंस थ्रू द फॉर्म ऑफ द सदगुरु। खुद करे या न करे। वेदर ही हिमसेल्फ परफॉर्म्स इट और नॉट। भक्तों से जरूर कराना। ही डेफिनेटली मेक्स द चिल्ड्रन डू इट। तो कराने वाला भी चाहिए प्रैक्टिकल में। So the enabler is also required in practice. ऐसे नहीं बिंदु कराता है। It isn't that the point enables us to do it. नहीं। No. Practical में कोई है? There is someone in practice. जो हमसे कराता है। Who makes us do it. तो बाबा कहते हैं पहले याद आत्मा को करना। So बाबा says first you should remember the soul. जरूर शरीर याद आता है। The body definitely comes to the mind. पहले शरीर फिर आत्मा। फर्स्ट द बॉडी देन द सोल। याद करेंगे? व्हेन यू रिमेम्बर तो पहले क्या याद आएगा? व्हाट विल कम टू द माइंड फर्स्ट? पहले शरीर याद आएगा। क्यों? फर्स्ट द बॉडी विल कम टू योर माइंड। व्हाई? क्यों याद आएगा शरीर? व्हाई विल द बॉडी कम टू द माइंड? पता कैसे चलेगा कि हमने सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को ही याद किया? हाउ विल यू नो दैट यू रिमेम्बर्ड ओनली द सुप्रीम सोल पॉइंट ऑफ लाइट? दूसरी कोई आत्मा को याद नहीं किया। And you didn't remember any other soul? आत्मा है आत्मा तो सब बिंदु बिंदु। All the souls are points of light. कीड़े मकोड़े पशु पक्षी 500 करोड़ मनुष्य आत्मा सब बिंदु। Worms and insects, animals, birds, all the 500 crore human souls are points. आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिंदु जो है वो सुप्रीम सोल है दूसरा बिंदु नहीं? How will you know that only this point and not any other point is the supreme soul? कैसे पता चलेगा? How will you know? नहीं पता चलेगा ना। यू वोंट नो विल यू? पता तो तभी चलेगा जब वो मुकर्रर रथ में प्रवेश करके उस कार्य को प्रैक्टिकल में संपन्न करने वाला बने।
You will know only when he enters the permanent chariot and accomplishes that task in practice. जो सारी दुनिया में कोई न कर सके. The task that can't be accomplished by anyone in the world. ऐसा पक्का प्रूफ उस तन के द्वारा मिलना चाहिए. You must get such a firm proof through that body. तभी ही तो कहेंगे कि ये सुप्रीम सोल है. Only then will it be said that this one is the supreme soul. जैसे मुरली में बोला. For example, it was said in the Murli. पता कैसे पड़ता है? केले में बाप भगवान है. How do you know that God the Father is in this one? जब आकर के ज्ञान सुनाते. It is when he comes and narrates the knowledge. तो पता पड़ जाता है. Then you know. कि ऐसा ज्ञान तो सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई तुम्हारे नहीं सकता. That no one except the Supreme Father, Supreme Soul can narrate such knowledge at all. तो वो कर्म की विशेषता है. So that is the speciality of the actions. जो आत्माओं के पार्ट से परमात्मा पार्ट को भिन्न साबित कर देती. That separates the part of the Supreme Soul from the part of the souls. तो पहले शरीर याद आएगा. So first the body will come to the mind. फिर आत्मा याद आएगी. And then the soul will come to the mind. बाबा के शरीर में बैठना. बाबा is sitting in the body of this one. वो शरीर भी जरूर याद पड़ेगा. So the body will also definitely come to the mind. जो ऊपर में बाप को याद करते होंगे. Those who might be remembering the father above. उनका है भक्ति मार्ग. और on the path of bhakti. क्या बात? What has been said? वो तथागत से ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन से मार्ग के हो गए? To which path do those so-called Brahma Kumar Kumaris belong? Bhakti mark. To the path of bhakti. क्योंकि उन लोगों को परमात्मा बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं. Because they don't know about the occupation of the Supreme Soul Father at all. इसलिए वो ऊपर में याद करते. This is why they remember him above. ऑक्यूपेशन कहाँ किया जाएगा? ऊपर या नीचे? Where will an occupation be pursued, above or below? ऑक्यूपेशन माने धंधा. Occupation means business. परमात्मा बाप जो धंधा करेगा. The occupation that the Supreme Soul Father pursues. वो ऊपर करेगा या नीचे करेगा? Will he pursue it above or below? पतितों को पावन बनाने का बाप का धंधा है. It is the father's business to purify the sinful. वो धंधा ऊपर बैठ के करेगा या नीचे बैठ के करेगा? So will he pursue that business sitting above or sitting below? पतित कहाँ है? ऊपर. Where are the sinful? Above. पतित तो नीचे बैठे हुए. The sinful are sitting below. तो धंधा कहाँ करेगा? So where will he do his business? नीचे बैठ के करेगा ना? He will sit below and do it, won't he? तो जो ऊपर याद करते हैं वो है भक्ति मार्ग. So those who remember him above belong to the path of bhakti. ना उनके नाम का उनको पता है. They neither know his name. ना रूप का पता है. Nor his form. ना देश का पता है. ना काल का पता. They neither know his place nor time. इसलिए वो है भक्ति मार्ग वाले. This is why they belong to the path of bhakti. ऐसे ही अंधश्रद्धा पूर्वक याद करते रहते. They simply keep remembering him out of blind faith. कौन? Who? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां माने ब्राह्मण. The so called ब्रह्मा कुमार कुमारीज meaning Brahmins. तुम तो सच्चे ब्राह्मण. You are in fact true Brahmins. ब्रह्मा की औलाद. The children of Brahma. उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है. Ask those Brahmins, where is your Brahma? तो कहेंगे ऊपर. Then they will say, he is above. तू समतल में बैठा. He is sitting in the subtle world. तो तुम्हारा बाप ब्रह्मा ऊपर बैठा है और तुम नीचे आ गए. Your father Brahma is sitting above and have you come below? तुम कहाँ से नीचे आ गए? How did you come below? संगम युग है तो संगम युग में ब्रह्मा बाप भी तो चाहिए ना. When it is the confluence age, then the father Brahma is also required in the confluence age, isn't he? तो उन ब्राह्मणों को पता नहीं है. So those Brahmins don't know it. वो ऊपर में याद करेंगे और तुम? They will remember him above. And what about you? तुम कहाँ याद करोगे? Where will you remember? तुम नीचे याद. You will remember below. मैं यहाँ इस शरीर में आकर के कहता हूँ. I come here in this body and say. कि तुमको याद वहाँ करना है. That you have to remember there. जहाँ अब तुमको जाना. Where you have to go now. क्या? What has been said? किसके कंठ से ये वाक्य बोला? Through whose body was this sentence spoken? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में बैठ करके सुप्रीम सोल बाप ने ये वाक्य बोला.
The Supreme Soul Father spoke this sentence sitting in the body of Dada Lekhraj Brahma. Kya bola? Kaise suna? What has been said? Listen to it once again. Main yahan is sharir mein aakar kehta hu. I come here in this body and say. Kis sharir mein aakar kehta hu? In which body do I come and say? Dada Lekhraj Brahma ke tan mein aakar kehta hu. I come in the body of Dada Lekhraj Brahma and say. Ki tumko yaad wahan karna hai. That you have to remember there. Kahan yaad karna hai? Where do you have to remember? Tumko yaad wahan karna hai. You have to remember there. Jahan aapko jana hai. Where you have to go now. Kahan jana hai? Where do you have to go? Kahan jana hai? Where do you have to go? Main is Brahma ke tan mein baith kar kehta hu. I sit in the body of this Brahma and say. Ki tumko yaad wahan karna hai. जहाँ अब तुमको जाना That you have to remember there, where you have to go now. कहाँ जाना है? Where do you have to go? जोर से बोलो. Speak up aloud. Advance party में ना? In the advance party, isn't it? तो advance party का कहीं कार्य चल रहा होगा ना? So the task of the advance party must be going on somewhere, mustn't it? तो वहाँ याद करना माने कुछ नहीं. So you have to remember there. Does it mean in the subtle world? सूक्ष्म मतलब कोई ऊपर नहीं है जरूर है वो ब्राह्मण है जिन्होंने अपनी बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज बनाई द सटल वर्ल्ड इज एंड समवेयर अबव डेफिनेटली दोज ब्राह्मण्स हु हैव मेड द स्टेज ऑफ देयर इंटेलेक्ट सटल मन चिंतन मंथन की स्टेज बनाई हुई है सूक्ष्म स्टेज दोज हु हैव अचीव्ड अ स्टेज अ सटल स्टेज ऑफ थिंकिंग एंड जर्निंग ऐसे ब्राह्मणों का जत्था जखीरा जहाँ इकट्ठा हुआ पड़ा है द प्लेस वेयर अ ग्रुप A crowd of such Brahmins has gathered. संगठन इकट्ठा पड़ा हो, इकट्ठा हुआ पड़ा है. A gathering has collected. वहाँ मुझे याद. You have to remember me there. मन मधुबन. It means in Madhuban. वहाँ तुमको जाना है. You have to go there. यानी 68 से पहले की वाणी है. It means that it is a vani of the time before 68. पहले ही इशारा दे दिया. A hint has been given beforehand. कि परमात्मा पार्ट कहीं दूसरी जगह चलेगा दैट द पार्ट ऑफ द सुप्रीम सोल विल बी प्लेड समवेयर एल्स तुमको भी जाना है तुम्हारी मन बुद्धि को भी वहाँ ट्रांसफर होना है यू हैव टू गो देयर योर माइंड एंड इंटेलेक्ट इज ऑल्सो टू बी ट्रांसफर्ड देयर ऐसे नहीं तुमको यहाँ याद करना इट इज इन दैट यू हैव टू रिमेम्बर हियर कहाँ वेयर ब्रह्मा के तन में इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा इसलिए ब्रह्मा का फोटो रखने के लिए मना कर दिया This is why you have been prohibited from keeping the photo of Brahma. तुम बच्चों को ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है. You children shouldn't keep the photo of Brahma. ऐसे नहीं सन्मुख आने से याद रह सकती है. It isn't that you can remember the father by coming face to face. बाहर जाने से याद भूल जाएगी. And you will forget when you go out. ऐसी कोई बात नहीं. It is nothing like that. गिलास में बच्चियां हैं. There are daughters abroad. सन्मुख में तो नहीं है दे सर्टनली aren't face to face. तो जहाँ भी हो बाबा को याद करना सो रिमेम्बर बाबा वेर एवर यू आर बहुत प्यार से याद करो रिमेम्बर हिम वेरी लविंगली जैसे सजनी साजन को बहुत प्यार से याद करती है जस्ट एज अ वाइफ सजनी रिमेम्बर्स हर हस्बैंड साजन वेरी लविंगली चिट्ठी नहीं आती है तो बहुत हैरान हो जाती है इफ शी डजंट गेट हिज लेटर शी बिकम्स वेरी वरिड चिट्ठी तो तब आएगी जब प्रैक्टिकल में होगा शी विल रिसीव द लेटर ओनली वेन ही इज प्रेजेंट इन प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में होगा ही नहीं तो चिट्ठी कहाँ से आएगी इफ ही इज इन प्रेजेंट इन प्रैक्टिस एट ऑल हाउ विल द लेटर कम तुम सजनियों को बहुत धक्के खा खा करके ये साधन मिले यू वाइव्स हैव फाउंड दिस हस्बैंड आफ्टर सफरिंग अ लॉट ऑफ मिसफॉर्चून्स कितने जन्म धक्के खाए फॉर हाउ मेनी बर्थ्स डिड यू सफर मिसफॉर्चून्स तेसठ जन्म तुम बच्चों ने धक्के खाए You children have suffered blows for 63 births. तब ये सलोना साजन तुमको मिला? It is then that you have found this beautiful husband. तो अब कितने प्यार से याद करना चाहिए? So you should remember him with so much love. भट्टी बनेगी? When the bhatti is organized, तो दो तीन दिन से भी चाहिए. 2-3 days will pass nicely. ऐसे लोग समझते हैं. People think this. कि बाबा भट्टी का प्रोग्राम रखते हैं. बाबा ऑर्गेनाइज अ भट्टी प्रोग्राम या मधुबन से भट्टी करने का प्रोग्राम आया है और दैट अ भट्टी प्रोग्राम हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम मधुबन भट्टी का प्रोग्राम करो
ऑर्गेनाइज अ भट्टी प्रोग्राम. सोचते हैं कि दो तीन दिन अच्छी भट्टी चलेगी, अच्छी अवस्था बन जाएगी. दे थिंक दैट इफ अ नाइस भट्टी इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर 2-3 डेज देन द स्टेज विल बिकम नाइस. अब इसमें तो संगठन का सहयोग मिल जाता है. वेल यू गेट द हेल्प ऑफ द गैदरिंग इन दिस. वॉट भट्टी में बैठ करके याद करेंगे. इफ यू रिमेम्बर वेल सिटिंग इन भट्टी तो संगठन का सहयोग मिल जाएगा. देन यू विल गेट द हेल्प ऑफ द गैदरिंग. ये आधार भी बच्चों को नहीं रखना चाहिए. द चिल्ड्रन शुडंट कीप इवन दिस सपोर्ट. क्यों? वाई? संगठन का आधार भी आधार हो गया क्या? इज द सपोर्ट ऑफ द गैदरिंग ऑल्सो अ सपोर्ट? हाँ ये भी आधार हो गया. यस दिस इज ऑल्सो अ सपोर्ट. इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक ने आकर के क्या किया? वॉट डिड इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक डू आफ्टर कमिंग? मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे बनाए दिए. दे बिल्ट टेम्पल्स मॉस्क चर्चेस गुरुद्वारास सिख श्राइन्स. उनमें सब इकट्ठे होकर के संगठन की याद में परमात्मा की याद में बैठने लगे. एवरीवन स्टार्टेड गैदरिंग देयर एंड सिटिंग इन द कलेक्टिव रिमेम्बरेंस ऑफ द सुप्रीम सोल. तो संगठन का आधार हुआ ना? सो इट इज द सपोर्ट ऑफ द गैदरिंग इसन्ट इट. संगठन का आधार लेने वाले निराधार सितारे हुए क्या? आर दोज हु टेक द सपोर्ट ऑफ द गैदरिंग इंडिपेंडेंट स्टार्स? आर दे? तो संगठन मिल जाए ऑटोमेटिक, कोई बाहर जाने. सो इफ यू गेट द गैदरिंग ऑटोमेटिकली देन देर इज नो हार्म. संगठन का लाभ ले लेना चाहिए. यू शुड टेक द बेनिफिट ऑफ द गैदरिंग. लेकिन आशा नहीं रखनी चाहिए. बट यू शुडंट नर्चर अ डिजायर कि संगठन हो तब हमारी याद अच्छी बने. दैट योर रिमेम्बरेंस विल बी नाइस ओनली वेन देर इज अ गैदरिंग. नहीं. नो. संगठन का आधार भी नहीं रखना. यू शुडंट इवन हैव द सपोर्ट ऑफ द गैदरिंग. कभी सहयोग मिल सकता है संगठन का और कभी नहीं भी मिल सकता. Sometimes you may get the support of the gathering and sometimes you may not. अभी तो शांति की अवस्था चल रही है दुनिया में. Now there is the stage of peace in the world. लेकिन विनाश होगा. But when destruction happens, चारों तरफ भाग दौड़ होनी पड़ी होगी. There will be stampede everywhere. तो उसमें संगठन का आधार मिलेगा. So will you get the support of the gathering there? नहीं मिलेगा ना. You won't, will you? तो फिर बाप को याद नहीं करेंगे क्या? So won't you remember the father? अवस्था को अच्छा नहीं बनाएंगे क्या? Won't you improve your stage? अगर उस समय ये आधार पक्का हुआ पड़ा होगा कि आधार मिलेगा संगठन का तो हमारी अवस्था बढ़िया बन जाएगी. If the dependency to this support had become strong at that time, if you thought our stage will be nice if we get the support of the gathering, Mount Abu में जाकर के बैठ जाएंगे. We will go and sit in Mount Abu. या मधुबनी में जाकर के बैठ जाएंगे. ऐसे नहीं. Or we will go and sit in Madhuban. It shouldn't be so. स्पष्ट बोला. It has been said clearly. क्या बोला? What has been said? संगठन का आधार की आकांक्षा नहीं रखनी. You shouldn't have a desire for the support of the gathering. अभ्यास निराधार का होना चाहिए. There should be the practice of being independent. कोई आधार नहीं. No support. आसमान में कौन से सितारे चमकते हैं? Which stars shine in the sky? वो किसी का आधार लेकर के चमकते हैं क्या? Do they shine with the support of anyone? निराधार सितारे चमकते. They shine without any support. किसी का आधार नहीं. There is nobody's support. तो ऐसे ही. So similarly, जो चमकने वाले सितारे हैं सच्चे रूपी रंगमंच पर. The stars who shine on the world stage. जो धरती के चैतन्य सितारे हैं. Who are the living stars of the earth. जो संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं. Who are going to be revealed in the world? संसार की नजरों में समाये जाने वाले हैं. Who are going to find a place in the eyes of the world? वो परमात्मा बाप के चैतन्य सितारे किसी भी आधार पर चलने वाले नहीं. Those living stars of the Supreme Soul Father won't tread on the basis of anyone's support. प्रोग्राम के आधार पर अपनी उन्नति का आधार बनाना. To base your progress on the support of programs. ये भी एक कमजोरी. This is also a weakness. कि प्रोग्राम बनेगा तो हमारी अवस्था ऊंची उठेगी. दैट यू थिंक व्हेन अ प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड आवर स्टेज विल राइज. और प्रोग्राम नहीं बनेगा. एंड इफ अ प्रोग्राम इजंट ऑर्गेनाइज्ड. 6 महीने हो गए. 6 months हैव पास्ड. 8 महीने हो गए. 8 months हैव पास्ड. कोई प्रोग्राम नहीं हुआ. सिंस एनी प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड हम लोगों की अवस्था कैसे बढ़ेगी. हाउ विल अवर स्टेज इम्प्रूव. तो ये भी कोई अच्छे पुरुषार्थी के लक्षण नहीं.
then this isn't the indication of a good Purusharthi either. Purusharthi means someone who makes spiritual effort. The father says, first, remember the body and then remember the soul. Whose support does the soul take? It takes the support of the body. If you have to give current to someone else, you should remain in remembrance at night and in the morning. It means that you can give a current, meaning power, to someone by sitting in the morning and at night as well. To see the soul means to give a searchlight to the soul. But how will you know to which soul you gave a searchlight? All the souls are in fact points. So, to which soul did we give a searchlight? You will know this only when you remember his corporeal body. What will you do if you have to give a current to a soul? Will you remember only the point soul? Or will you give a current to the point like soul? Will that be enough? No. You will have to remember his body as well. Similar is the remembrance of the Supreme Soul too. When we remember the Supreme Soul, the Father in practice, we should remember his practical part as well. What I am, as I am, and the form in which I am playing my part. Remember me in that form. If the complete knowledge hasn't sat in the intellect, then the yoga won't be complete either. What? The knowledge is incomplete. Knowledge means information. If there is a shortcoming in the recognition, knowledge, information of the Father, you won't have complete yoga. So, what should you do first of all? First, you should assimilate the complete information of the Father in the intellect. Otherwise, you will keep asking, how should we remember the Father? We are unable to have yoga. Because of the practice of being detached from the body, if you become bodiless even for 2 to 4 minutes, then it is as if you children will get rest for 4 hours. A time will come when you will become bodiless for 4 to 8 minutes instead of sleeping, and you will feel as if your body has received food. Similarly, you will get this dose as well. The body will certainly be old. The karmic accounts will be old. Just continue making this addition to it. Now the father comes and tells these accurate topics to you children. You find the point to be small. Achha, the house of the point is certainly big. Which is the point's house? It is the body, isn't it? The house of the point is certainly big. Achha, then remember the house. He says in the Murli, doesn't he? Remember the father.
Remember the home. स्वर्ग के घर से पूजा करो. Remember the inheritance of heaven. कहते हैं. He says this, doesn't he? तो तीन तीन बातें बताए देते हैं. So he speaks about three topics. कहते हैं अपने घर को याद करो, बाप को याद करो. He says, remember your home, remember the father. स्वर्ग को याद करो. Remember heaven. बाप वैसे को याद करो. Remember the inheritance. तो तीन तीन चीजों को याद करें या एक को याद करें? So, should we remember three things or should we remember one? क्या करें? What should we do? एक को याद करें ना? We should remember one thing, shouldn't we? फिर तीन तीन बातें क्यों बता दी? Then why were three topics mentioned? वो तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं. Those three topics aren't different. एक में ही तीन हैं, तीन में ही एक है. There are three aspects in only one being, and only the one is in the three. जब कहते हैं बाप को याद करो. When he says remember the father, तो जरूर सुप्रीम सोल की तरफ इशारा है. So definitely, it is a hint towards the supreme soul. Prajapita बाप की तरफ इशारा है. It is a hint towards the father Prajapita. वो भी बाप है बेहद का, जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके बाप बनता है प्रैक्टिकली. He is also the unlimited father whom the supreme soul enters and in whom he becomes the father in practice. फिर घर को याद करो. Then remember the home. तो आत्मा का घर कौन सा हुआ? शरीर हुआ ना? So which is the soul's home? It is the body, isn't it? तो जिस शरीर में परमात्मा बाप प्रवेश करता है वो घर हुआ. So the body in which the supreme soul father enters is the home. उस घर को याद करो. Remember that home. वो भी एक ही बात होगी. That is also the same. फिर वर्षों को याद करो. Then remember the inheritance. तो लक्ष्मी नारायण क्या है? So what are Lakshmi and Narayan? हमारा वर्षा है ना? They are our inheritance, aren't they? नारायण को याद किया. If you remember Narayan, माना सारी शक्ति रूपी वृक्ष के बीज को याद कर लिया. It means you have remembered the seed of the entire world tree. बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ. The entire tree is enclosed within the seed. बीज को याद किया. If you remembered the seed, माना सारे वृक्ष को याद का पानी दे दिया. It means you gave the water of remembrance to the entire tree. सारी मनुष्य शक्ति का बीज. He is the seed of the entire human world. उस बीज को याद करते रहो. Keep remembering that seed. उस बीज में सारी पावर स्वतः भरी हुई. सारे वृक्ष को याद की पावर मिल जाएगी. The entire power is automatically contained in that seed. The entire tree will get the power of remembrance. तो तीनों ये एक ही बात हो गई. So all the three are one and the same thing. बाप को याद करो, वो भी एक ही बात. Remember the father is also the same. वर्षों को याद करो, वो भी नारायण. नारायण हमारा वर्षा है. Remember the inheritance meaning Narayan. Narayan is our inheritance. जो सारे विश्व का मालिक है, विश्व का पिता है, विश्व का पति है. The one who is the master of the entire world, the father of the world, the lord of the world. वो अगर हमारी मुट्ठी में आ जाए. If he comes in our hands. तो जैसे सारा वृक्ष विश्व, सारा विश्व हमारी मुट्ठी में आ गया. Then it is as if the entire tree, the entire world has come in our hands. तो बुद्ध रूपी हथेली में उस वर्षे को याद करो, चाहे बाप को याद करो, चाहे घर को याद करो, बात एक ही हो जाती. सो इन द हैंड लाइक इंटेलेक्ट, रिमेम्बर दैट इनहेरिटेंस और रिमेम्बर द फादर और रिमेम्बर द होम. इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो अभी तुम बच्चों की याद अर्थ सहित है. सो नाउ द रिमेम्बरेंस ऑफ यू चिल्ड्रन इज मीनिंगफुल. दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं. नोबडी इन द वर्ल्ड नोज दिस एट ऑल. तुम जानते हो शिव बाबा बिंदी है. यू नो दैट शिव बाबा इज अ पॉइंट. अच्छा तुमको बिंदी छोटी लगती है. अच्छा इफ यू फाइंड द पॉइंट टू बी स्मॉल. तो उसका घर तो बड़ा है. देन हिज होम इज सर्टेनली बिग. तो घर को याद करो. सो रिमेम्बर द होम. बाबा भी वहाँ रहते हैं. बाबा ऑल्सो लिव्स देयर. कहाँ रहते हैं? वेयर डज ही लिव? घर में रहते हैं ना. ही लिव्स इन द होम डजंट ही? बाप भी घर में रहते हैं और तुम बच्चे भी कहाँ रहते हो? द फादर लिव्स एट होम एंड वेयर डू यू चिल्ड्रन ऑल्सो लिव? घर में रहते हो. यू लिव एट होम. सारी दुनिया की पैदाइश कहाँ से होती है? फ्रॉम वेयर इज द एंटायर वर्ल्ड बॉर्न?
अरे किसी की पैदाइश होती है तो कहाँ से होती है, किसके पेट से होती है? अरे when someone is born, where is he born from? From whose womb is he born? माँ के पेट से होती है ना? He is born from the mother's womb, isn't he? जो ब्राह्मणों की पैदाइश कहाँ से होती है? Where are the Brahmins born from? ब्रह्मा से होती है ना? They are born from Brahma, aren't they? तो ब्रह्मा का बुद्धि रूपी पेट वो हमारा घर हो गया ना? So Brahma's womb like intellect is our home, isn't it? ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में ही तो बाप का प्रवेश होता है। The father enters the womb like intellect of Brahma himself, doesn't he? तो वो बाप का घर हो गया। So that happens to be the father's home. जो बाप का घर वो हम बच्चों का भी घर हो गया। The father's home is the home of us children too. बीच बीच में एक दो मिनट भी तुम निकाल करके इस बिंदु रूप की प्रैक्टिस करो। Also, by taking out one or two minutes in between, practice remembering this point home. जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है, For example, when there is any special day, तो सारे चलते हुए ट्रैफिक को रोक करके दो तीन मिनट साइलेंस में चले जाते हैं। Then the moving traffic is stopped to observe 2 to 3 minutes silence. Practice कराते हैं। They are made to practice this. सारे कार्य को स्टॉप कर देते हैं। They stop all the tasks. आप भी कोई कार्य करते हो। When you to do any work. कोई से बात करते हो या कोई भाषण करते हो। Or talk to anyone or deliver any speech. तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर देना चाहिए। Then you should stop this traffic of thoughts in between. Yeah. What? अगर याद की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, If you want to practice remembrance nicely, ये कंप्लेंट रहती है कि हमको बिंदु याद नहीं आता. If you have a complaint that the point doesn't come to your mind, तो क्या करें? Then what should you do? बीच बीच में सारा काम एकदम बंद करके और 2-5 मिनट उसे याद में टिक जाए. मेरा कार्य स्टेज Just stop all the work in between and become constant in that remembrance, in the incorporeal stage for 2 to 5 minutes. एक मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर के द्वारा चलते हुए कार्य को बीच बीच में रोक करके भी ये प्रैक्टिस पक्की कर देनी चाहिए. You should stop the thoughts of the mind or any task being performed through the body for a minute in between and firm up this practice. तो याद की अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी. Then the stage of remembrance will be very good. जो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं, those who belong to the path of renunciation, वो कभी भी प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखा सकते. Can never teach Rajyog to those who belong to the household path. निवृत्ति मार्ग वाले कौन? Who belong to the path of renunciation? जो सिर्फ बिंदु को याद करते हैं वो हुए निवृत्ति मार्ग वाले. Those who remember only the point belong to the path of renunciation. या जो सिर्फ कहते हैं कि बाबा ब्रह्मा को याद करो. और दोस्त हो से जस्ट रिमेम्बर ब्रह्मा बाबा. साकार को याद करो. रिमेम्बर द कॉर्पोरियल वन. तो वो भी हो गए निवृत्ति मार्ग वाले. क्यों? दे ऑल्सो बिलोंग टू द पाथ ऑफ रिनंसिएशन. वाई? क्योंकि आत्मा और शरीर की भी प्रवृत्ति है. इट इज बिकॉज देर इज अ हाउस होल्ड ऑफ द सोल एंड द बॉडी टू. हमारी याद भी प्रवृत्ति की है. अवर रिमेम्बरेंस इज ऑल्सो ऑफ द हाउस होल्ड. प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया में हमको जाना है. वी हैव टू गो टू द वर्ल्ड ऑफ द हाउस होल्ड पाथ. तो याद भी हमारी प्रवृत्ति की होनी चाहिए. सो अवर रिमेम्बरेंस शुड ऑल्सो बी ऑफ द हाउस होल्ड. साकार भी याद आए और साकार के साथ साथ निराकार बिंदु भी याद आए. द कॉर्पोरियल वन शुड कम टू अवर माइंड एंड अलॉन्ग विद द कॉर्पोरियल वन द इनकॉर्पोरियल पॉइंट शुड ऑल्सो कम टू अवर माइंड. जो निराकार बिंदु को सिर्फ याद करने वाले हैं वो राजयोगी नहीं हो सकते, न राजयोग सिखा सकते. Those who remember only the incorporeal point can't be Rajyogis. They can't teach Rajyog either. जो सिर्फ साकार को याद करने वाले हैं वो भी राजयोगी नहीं हो सकते, वो भी अतियोगी हैं. Those who remember only the corporeal one also can't be Rajyogis either. They are also Hatyogis. जो हठयोग सिखाएंगे राजयोग नहीं सिखाएंगे. They will teach Hatha Yoga, not Raja Yoga. तो जो हठ योगी होते हैं वो कभी सरल नहीं होते. Those who are Hatha Yogis are never simple. टेढ़ी चाल वाले होते हैं. They have a crooked nature. जितना जो स्वयं सरल होगा, The more someone is simple himself, उतना उनकी याद भी सरल होगी. His remembrance will also be easy to the same extent.
अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिंप्लिसिटी इन यू द रिमेम्बरेंस इजंट इजी। सरलता होती है कम। व्हेन देयर इज लिटिल सिंप्लिसिटी तो याद भी कम। देयर इज लिटिल रिमेम्बरेंस। जटिल होगी बुद्धि। इफ द इंटेलेक्ट इज कॉम्प्लेक्स तो याद भी जटिल हो जाएगी। द रिमेम्बरेंस विल ऑल्सो बिकम कॉम्प्लेक्स। हठ योगी होंगे। इफ समवन इज अ हठ योगी तो याद भी हठपूर्वक बैठने से ही याद आएगी। दे विल बी एबल टू रिमेम्बर ओनली बाय सिटिंग ऑब्स्टिनेटली। वो भी एक्यूरेट निरंतर याद नहीं हो सकती। द रिमेम्बरेंस कांट बी एक्यूरेट एंड कंटिन्यूअस तो सरल से तो कौन रह सकेगा। सो हु कैन बी सिंपल माइंडेड। जितना हर बात में स्पष्ट होगा इन एवरी सब्जेक्ट द मोर समवन इज क्लियर हर बात में साफ दिल होगा द मोर ही इज क्लीन हार्टेड उतना सरल होगा द सिंपलर ही विल बी। कहते भी है सच्चे दिल पर साहब राजी। इट इज ऑल्सो सेड दैट द लॉर्ड इज प्लीज्ड विद अ ट्रू हार्ट तो बाबा साहब किसको याद आवेगा। सो बाबा द साहब मीनिंग लॉर्ड विल कम टू हूज माइंड मोर जो साफ दिल वाले बच्चे होंगे उनको बाबा खूब याद आएगा। द चिल्ड्रन हू हैव अ क्लीन हार्ट विल रिमेम्बर बाबा अलॉट जिन्होंने अपने बुद्ध रूपी शीशे को चित्त को निर्मल नहीं बनाया। दोज हू हैवंट मेड देयर मिरर लाइक इंटेलेक्ट देयर हार्ट क्लीन बाबा को पूरा पोतामेल नहीं दिया। दोज हू हैवंट गिवन देयर कम्प्लीट पोतामेल टू बाबा सच्चाई सफाई से जो चलने वाले नहीं है दुराव छुपाव से चलते हैं। दोज हू डोंट ट्रेड विद ट्रूथफुलनेस Those who maintain distances and hide things, उनका चित्त कभी निर्मल नहीं हो सकता। Their heart can never be clean. उस चित्त में कभी बाप की याद छप नहीं सकती। The father's remembrance can never be imprinted in that heart. तो सरलता बहुत पहला गुण है याद करने वालों की। So, for those who remember Baba, simplicity is the first and foremost virtue. विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएगा। By remembering the विचित्र literally the one who has no picture, the incorporeal one, along with the चित्र literally picture, the corporeal one, you too will become चरित्रवान virtuous। विचित्र मन बिंदु। विचित्र means the point। और चित्र मन साकार। And चित्र means the corporeal one। तो बिंदु के साथ साकार की भी याद रहे। सो अलॉन्ग विद द पॉइंट देयर शुड ऑल्सो बी द अवेयरनेस ऑफ द कॉर्पोरियल वन तो चरित्रवान बन। देन यू विल बिकम वर्चुअस। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे इफ यू रिमेम्बर जस्ट द कॉर्पोरियल वन एंड द कैरेक्टर तो चरित्र की ही याद रहेगी। यू विल रिमेम्बर ओनली द कैरेक्टर सिर्फ चित्र को याद किया। इफ यू रिमेम्बर जस्ट द कॉर्पोरियल वन या चित्र के साथ जो चरित्र है वो तो याद आएगा ही। और द कैरेक्टर विल सर्टेनली कम टू द माइंड अलॉन्ग विद द कॉर्पोरियल वन सिर्फ उसी को याद किया। इफ यू रिमेम्बर ओनली दैट तो चरित्र की याद रहेगी। देन द कैरेक्टर विल कम टू योर माइंड विचित्र भूल जाएगा। यू विल फॉरगेट द इनकॉर्पोरियल वन इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आना। दिस इज वाई अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरियल वन The corporeal one and the character should come to the mind. तो चित्र गति भी होगी। Then you will also have a fast pace. तेजी से भी कर्म भस्म होंगे। The sins will be burned to ashes at a fast pace. निरंतर याद भी रहेगी और सहज याद भी होगी। The remembrance will be continuous as well as easy. याद में रहते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। It isn't a big thing if you remain in remembrance. लेकिन याद के साथ साथ सहज योगी की बट अलॉन्ग विद द रिमेम्बरेंस यू शुड ऑल्सो बी एन ईजी योगी और निरंतर योगी एंड अ कंटिन्यूअस योगी। अगर ये नहीं होता है इफ इट इजंट सो तो समझो याद अधूरी। देन थिंक दैट द रिमेम्बरेंस इज इनकम्प्लीट तो सहज कब होगी। सो व्हेन विल इट बी इजी सिर्फ बिंदु को याद करेंगे तो सहज याद होगी। Will the remembrance be easy if you remember just the point? Hogi nahi. It won't. Wo to hatha yogiyon ki yaad ho gayi. That is the remembrance of the hatha yogis. Hatha yogiyon ko hathpurvak yaad aati hai. Haath paav band karke baith jayenge to yaad aayegi. Hatha yogis remember forcibly. They will remember if they tie their hands and legs in a posture. Nahi to yaad nahi aayegi. Otherwise, they won't be able to remember.
कर्म करते याद नहीं आ सकती, निरंतर याद नहीं हो सकती। दे कांट रिमेम्बर वेल परफॉर्मिंग एक्शंस, द रिमेम्बरेंस कांट बी कंटिन्यूअस। द लवर एंड द बिलवड ऑल्सो लव ईच अदर्स बॉडी। द लवर एंड द बिलवड बोथ आर बॉडीली बींग्स। के सामने जैसे मासूक खड़ा हुआ रहता है। इट इज लाइक द बिलवड इज ऑलवेज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लवर। मासूक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। देन द बिलवड विल सी द लवर। अभी तुम आशिक हो परमपिता परमात्मा का। नाउ यू आर द लवर्स ऑफ द सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल फादर। एक है मासूक। देयर इज वन बिलवड। और बाकी सब आत्माएं हैं आशिक। एंड ऑल द अदर सोल्स आर लवर्स। अभी वो निराकार बाप मासू को तुमको इस साकार द्वारा बैठ मत देते। नाउ दैट इनकॉर्पोरियल फादर द बिलवड वन सिट्स एंड गिव्स यू डायरेक्शंस थ्रू दिस कॉर्पोरियल वन। तुमको याद करना चाहिए। सो यू शुड रिमेम्बर हिम। क्या मिसाल दिया? व्हाट एग्जांपल हैज बीन गिवन? आशिक मासू को याद मिसाल दिया। द एग्जांपल ऑफ द लवर एंड द बिलवड हैज बीन गिवन। वो आशिक मासू को एक दूसरे को याद करते हैं। Those lover and beloved remember each other. तुम क्या करो? What should you do? तुम आशिक हो। You are lovers. पाप मासूक है। The father is the beloved. पाप कभी आशिक नहीं होता। The father is never a lover. ये आंसर। Here, this is the difference. पाप आशिक नहीं है। The father isn't a lover. पाप सिर्फ मासूक। The father is just the beloved. और तुम बच्चे आशिक। एंड योर चिल्ड्रन आर द लवर्स। तो आशिक जो बच्चे हैं वो मासूक की बात को बैठ याद करें। सो द लवर चिल्ड्रन शुड सिट एंड रिमेम्बर द बिलवड फादर। अभी निराकार बाप उस मासूक के द्वारा तुमको बैठ मत देते हैं, बुद्धि देते हैं। नाउ द इनकॉर्पोरियल फादर सिट्स एंड गिव्स यू डायरेक्शंस विजडम थ्रू दैट बिलवड। की मुझे बैठ करके याद करो। सिट एंड रिमेम्बर मी। शिव की याद में आकर के बैठो। Come and sit in the remembrance of Shiv. लेकिन और कोई याद ना आवे। But nobody else should come to your mind. यहाँ तुमको मदद मिलेगी सवेरे। Here you will get help in the morning. पाप की याद में सवेरे सवेरे बैठेंगे तो पाप से विशेष मदद मिलेगी। If you sit in the remembrance of the father early in the morning, then you will get special help from the father. सारा दिन पाप को भी सर्विस करनी होती है बच्चों में प्रवेश करके। Throughout the day, the father also has to do service by entering the children. दूसरों की आत्माओं की सर्विस करने की। To serve the other souls. लेकिन सवेरे का टाइम पाप के लिए फ्री है। But the morning time is free for the father. तो क्या करो? So what should you do? कि अमृत दे ले पाप से वरदानों की झोली भरते रहो। Keep filling your bag with boons from the father at Amrit Vela, early morning hours of nectar. अमृत वेला अगर सुहाला बनाया। If you make the Amrit Vela pleasant, तो सारा दिन सुहेला जाए। Then the entire day will be pleasant. ये है बड़ी से बड़ी पुरुषार्थ करने की पॉइंट। This is the biggest point of पुरुषार्थ। अमृत वेले को सुधारना। To improve the Amrit Vela. तो बाबा टाइम देते हैं। So, Baba gives you the time. रात को 9 बजे सो जाओ। Sleep at 9 PM. फिर सवेरे 2-3 बजे उठ करके याद करो। Then wake up at 2 or 3 AM and remember him. तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी चाहिए। You shouldn't close your eyes either. क्योंकि याद में बैठना है ना? Because you have to sit in remembrance, haven't you? आंखें खोलने से तुम बच्चों को डरना नहीं चाहिए। You children shouldn't be afraid to keep your eyes open. क्या खोल करके बैठेंगे कोई सुंदर दिखाई पड़ जाएगा तो हमारी बुद्धि उधर चली जाएगी। It shouldn't be that you think if we sit with our eyes open and if we see a beautiful person, then our intellect will be diverted there. नहीं। No. इससे पता चलेगा। With this, you will get to know. क्या पता चलेगा? What will you know? कि हमारी आंखें कितनी कंट्रोल में हुई है। To what extent our eyes are under our control? आँखें खुली हुई होते हुए भी। Despite the eyes being open, मन बुद्धि को ऐसा कंट्रोल करना है। You should control the mind and intellect in such a way कि मन बुद्धि ऐसी कंट्रोल हो जाए जो आँख के सामने से कोई गुजर जाए और मालूम भी न पड़े। The mind and intellect should be so controlled
that even if someone passes in front of you, you shouldn't notice them. इतनी याद पक्की है. The remembrance should be so strong. जैसे महबूब महबूबा को याद करता है. For example, a lover remembers his beloved. गहरी याद में जब समाया हुआ होता है तो सामने से कोई निकल जाता है, आंखें खुली हुई होती हैं. When he is deeply immersed in her remembrance, then if someone passes by in front of him, his eyes are open. और उसको पता ही नहीं चलता है कौन निकल गया. Yet he doesn't know who passed by. पूछा जाता है कौन यहाँ से गुजर के गए. When he is asked who passed by you, तो कहीं हमें नहीं मालूम. He says I don't know. ऐसी याद पक्की होनी चाहिए. The remembrance should be so strong. आंखें बंद करने की बात नहीं. It isn't about closing the eyes. आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए. You shouldn't be afraid of opening the eyes. End of the cassette.